छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए मोहन मरकाम का पदभार ग्रहण कार्यक्रम शनिवार को राजीव भवन में रायपुर में आयोजित किया गया। वर्तमान पीसीसी चीफ और सीएम भूपेश बघेल अपना चार्ज मोहन मरकाम को देने से पहले भावुक हो गए। उन्होंने संबोधन के दौरान माइक डेस्क पर ही रो दिया, उनकी आंखों से आंसू भी छलके। भूपेश बघेल 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से पीसीसी चीफ बनाए गए थे। पदभार ग्रहण करने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब हमें राहुल गांधी ने पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी दी थी उस समय हम चुनाव हार रहे थे, आगे किस तरह से चुनाव लड़ना है इसकी रणनीति तय की गई। 2013 से लड़ाई शुरू हुई और तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक प्रदेश में सत्ता परिवर्तन नहीं हो गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद के रूप में अपने अंतिम संबोधन में सीएम भूपेश ने सभी लोगों का आभार जताया। सीएम बघेल ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ाई लड़ी है और सफलता मिली है, हर एक का सहयोग भी मिला है। ऐसे समय में राम गोपाल अग्रवाल जी का जितना न करूं, मैं समझता हूं कि अन्याय हो। आपकी मेहनत का हम लोग भी करते हैं। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पीसीसी चीफ होने का पद भार दे दिया है। उन्होंने ये पदभार देते हुए काफी भावुक हो गए और माइक डेस्क पर ही उनकी आंखों से आंसू झलक गए। आपको बता दें कि मोहन मरकाम को प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है। ये चार्ज देते हुए सीएम भूपेश बघेल काफी भावुक हो गए। उन्होंने याद करते हुए कहा कि 2013 में जिस समय उन्हें ये पदभार दिया गया था उस समय कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ प्रदेश में काफी नाजुक थी। हार के बाद उन्हें ये चार्ज दिया गया था जिसके बाद उन्होंने नई रणनीति बनाई और सत्ता में वापस आए। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीएम भूपेश बघेल चार्ज देते वक्त काफी भावुक होते नजर आ रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू भी छलक गए। काफी अहम पद था उनके लिए ये